हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल द सेट साहिल कपूर। सो आज अपन निकल रहे हैं दिल्ली से गोवा और बहुत ही अच्छा मौसम है, ऑल सेट रेडी टू। सो दिस इज द ब्रिज जो कि समुंदर के ऊपर बना है, बीच में उन्होंने फ्लो कम करने के लिए शायद बहुत कुछ किया हुआ है। अभी हम मुंबई से नवी मुंबई की तरफ जा रहे हैं और महाबलेश्वर वाला रूट लेंगे। तो देखें So this is our first toll of the day. We are at Navi Mumbai. अभी हम Navi Mumbai के आगे से निकल रहे हैं और मुंबई से तो काफ़ी अच्छी तरह मुझे लग रहा है बसाई हुई है, बाकी पता नहीं मुझे, जितना मैंने रोड शोड देखी तो ठीक ही लग रही है और सब बढ़िया। तो अभी यहाँ पे रुका था कहीं पे, चेन लूप करी है, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया और वड़ा पाव खाया और छोटा छोटा काम था कुछ, एक तो वो किया। अभी बेचारा कल फट गया, पता नहीं कैसे फट गया पर फट गया, सो आई नीड टू बाय अगेन। बाकी सब बढ़िया है, गाने चलाएंगे मस्त और चलेंगे। सेकंड टोल ऑफ द डे। हे गाइस, सो दिस इज द लोनावला राइट नाउ और अभी पुणे के लिए रास्ता जा रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है मत पूछो। सो लुक एट द व्यू राइट नाउ, लोनावला, बहुत सही बहुत सही। सो अभी मुझे चले हुए घर से 3 घंटे हो गए हैं और दिस इज थर्ड टोल ऑफ द डे, मतलब तीसरा टोल है। 3 घंटे में मैंने करीब करीब अभी 120-130 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करे हुए हैं। खाया और अभी एक पेट्रोल ब्रेक लगेगा और अब खाना वाना हो गया डन। फर्स्ट टाइम मिसल पाव खाया, बढ़िया था, मस्त था। अब चलते हैं अपने रोड पर। दिस इज फोर्थ टोल टैक्स ऑफ द डे। 150 किलोमीटर करे हैं वो शायद अभी तक, थोड़े ज़्यादा 160-170, उसके बीच में इतने 4 टोल टैक्स मैं निकाल चुका हूँ, मतलब हद होती है। 40 किलोमीटर का टोल टैक्स होना है एवरेज। आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस, बट भाई साहब ये शिमला की तरह बजा दी इन्होंने पहाड़, नीचे से जा रही शायद कोई नदी वदी, लेक है, लेक पूरा माउंटेन घाट से बना हुआ एरिया, घाट पे बना दिया, घाटा घाट कर दिया भाई सिस्टम। और इसकी फोटो तो लेनी बनती है। नवीन कातराज टनल 1458 meters, मतलब 1.5 किलोमीटर की टनल है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। काफ़ी मज़ा आया वैसे। सो अभी हम पहुँच चुके हैं कहीं दो और दिस इज अ फिफ्थ टोल ऑफ द डे। देखो ये प्यारी सी नदी जा रही है, यहाँ से होते हुए वहाँ तक किनारे, कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रही है नदी। सो भी आ रही है मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद, बज रहे हैं दो, वह छठा टोल टैक्स। हे गाइस, सो दिस इज 7th टोल ऑफ द डे और अभी भी अपने पास 280 किलोमीटर के आसपास रिमेन है और मैं देखना चाहता हूँ कि आज अपना टोल टैक्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि हर बार ज़्यादा ज़्यादा टोल टैक्स हो रहे हैं। जैसलमेर जोधपुर से जैसलमेर 6-7 थे, अहमदाबाद वाले टाइम पे भी 6-7 थे या 8 थे, आज अगर 10 टोल निकल गए भाई साहब आज का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और कोई सा भी टोल टैक्स सस्ता नहीं है, 60-70-80-100-135 ऐसे आ रहे हैं टोल टैक्स, 20-30 वाला कोई नहीं है भाई साहब। तो गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है भाई, इतने ज़्यादा टोल भरूंगा इतना तो मेरी बाइक ही पहुंच जाएगी भाई। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाबा पंजाबी ढाबे से, अपना जसबीर भाई है ये, अपना अब प्यारा दोस्त बन गया अपना। से हाय, हेलो, ये हमारे दादा, क्या हाल चाल, ठीक है। सो अभी हम बस यहाँ से निकल रहे हैं
काफ़ी देर यहाँ पे हमने लगा दिया, 2-3 घंटे, बट इट्स ओके। सो चलो, हे गाइस, सो दिस इज 8th टोल ऑफ द डे जो आज का अपने को पड़ा फ्री, 8 टोल, और अब अपन आगे निकल रहा है, और मुझे लग रहा है आज 10-12-15 टोल निकल लेंगे आज। सो दिस इज द 9th टोल टैक्स ऑफ द डे। सो यप, आज अपन रिकॉर्ड तोड़ कर छोड़ेंगे, अभी 200 किलोमीटर और रह रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 14-15 टोल टैक्स तो आ ही जाएंगे आज आज में, जो अपन टपाने वाले हैं फ्री में। गवर्नमेंट अपन को फ्री सर्विस देती है टोल टैक्स की ऑल ओवर इंडिया, यमुना एक्सप्रेस से छोड़ के भी रह रहा है कुछ 196 किलोमीटर। सो दिस इज 10th टोल ऑफ द डे, और अभी तक मैंने किसी भी राइड में 10वां टोल तो क्रॉस नहीं किया है। सो आज का रिकॉर्ड फाइनली बन चुका है, जो मुझे लग रहा था जिस हिसाब से टोल टैक्स आ रहे थे, तो दिस इज 10th। रात को बहुत दिक्कत हो जाती है, बाकी सब बढ़िया। वी आर राइडिंग सो हार्ड फॉर लास्ट फ्यू राइड्स, आर अराउंड 200, 120, 200, 250, 300, 700, 600, 700 ऐसे चल रही है। सो दिस इज 12th टोल ऑफ द डे, 12वां टोल टैक्स है इसका, और हाय रे कितने 3-3.5 घंटे फोन नीचे टिकाए। अपडेट ये है कि मैंने जो होटल बुक किया था, वो मैंने पहले से तो गोवा की लोकेशन डाली थी, गोवा पहुँच के अपना होटल की लोकेशन डाल लेंगे। मैं चाय पीने रुका, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने कहा चलो होटल की लोकेशन डालते हैं, सीधा वहाँ तो कौन चेंज करेगा, तो डाली तो मेरे को गोवा 100 किलोमीटर पर, मेरा होटल 145 बता रहा था, जबकि वो भी गोवा में ही है। और फिर उसके लिए इसने रास्ता बताया कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, सो हमने सारा पीछे वापस आ रहा हूँ। मेरे को लग रहा है 40-45 किलोमीटर का ही पीछे ना ले रहा है मुझे, ये तो बहुत हुआ, 90 किलोमीटर का धक्का लग जाएगा, जो कि बहुत बड़ा धक्का है मेरे लिए, बट लेट्स सी, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। सो यार, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, भगवान की जैसे बॉडी में काफ़ी एनर्जी है, अभी भी 500 किलोमीटर और चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रात अपनी है, मस्त मज़े आ रहे हैं। चलो मिलते हैं गाइस। सो पीछे बैलगवी है ये जगह, और यहाँ से अपन को कट लेना था, अपन करीब करीब 20 किलोमीटर आगे चले गए और 20 किलोमीटर पीछे गए, तो 40 किलोमीटर का ठप्पा लग गया, बट बच गए, वरना तो मेरे को लग रहा 100-150 किलोमीटर का लगता। गॉड इज विद मी, बच गए।